तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेगा। मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे चेंज होता है इनडायरेक्ट में, मैंने पिछले वीडियो में बात की है। और जो भी वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप दे सकते हैं। और अब आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे पास्ट वाला, ठीक है, पास्ट टेंस वाला देखेंगे। तो पास्ट यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या इसमें चेंज जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि सिंपल पास्ट, ठीक है। अब सिंपल पास्ट यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर का जो टेंस होगा वो अगर सिंपल पास्ट में होगा तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ओके। अब अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, इतनी यही लिखा है। उसके बाद है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आए। अब थोड़ा सा आगे चलिए तो देखते हैं सेल और विल, क्योंकि सेल और विल जब इन्वर्टेड कॉमास के जब अंदर होंगे, ठीक है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेल जो है वो शूट में हो जाएगा और विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कैन, अब कैन जो है वो कुड में, और मे जो है वो माइट में, और इज एम आर जो है वो वाज और वेयर में हो जाएंगे, और हैज और हैव जो है वो हो जाएगा। माइट जब होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो इसमें जो है जनरली ये चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये जब भी ये जो सिंपल पास्ट है ये सभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेंगे तब ये सब चेंजेज होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए इनको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो सी, तो यहाँ पर सी लिखा है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर का सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में तो पास्ट होगा, ठीक है, तो पास्ट होगा तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सी हो गया, और ये सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा टोल्ड में, और मी, और इन्वर्टेड कॉमास के बदले जो है वो आएगा दैट, यहाँ पर दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा यानी सी, तो यहाँ हो जाएगा सी, और सी जो है तो एम का पास्ट हो जाएगा वाज, ठीक है, और टू, और हेल्प है तो हेल्प, और यू, यू सेकेंड पर्सन है तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो मी यहाँ होगा, ठीक है, चूंकि आई का मी यहाँ होगा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो दे सेड टू अस, तो यहाँ यही उतरेगा, दे सेड का हो जाएगा टोल्ड और अस। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात होता है कि ये कौन सा टेंस में है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो ये हो जाएगा दैट, और वी, वी तो है फर्स्ट पर्सन तो आएगा इसके अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा दे। अब दे तो पास्ट परफेक्ट में ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर, वर हो जाएगा, और ये रहेगा गिविंग, और यहाँ पर यू जो है वो सेकेंड पर्सन है तो ये आएगा ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ अस है, और अस जो है वो किसका है तो वी का है, तो यहाँ भी अस ही आएगा, ठीक है, और ए नाइस प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर का जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस में है, उसी के अनुसार उसको बदल दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो मोहन, तो मोहन लिखते हैं पहले, ठीक है,
और सेट है, और सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे टोल्ड, और हर रहेगा और दैट रहेगा। अब इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो ये है प्रेजेंट, ठीक है, वो भी है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में होगा, ओके, तो सिंपल पास्ट में होगा। तो इसको पहले जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये है सिंपल प्रेजेंट का। तो इसका सिंपल पास्ट क्या बन जाता है, तो सब्जेक्ट होता है, और पास्ट जब ये हो तो V2, ठीक है, यानी पास्ट V2, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके अनुसार यानी सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो फर्स्ट पर्सन हो गया, तो ये होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो मोहन के लिए प्रोनाम ही आएगा, तो ही। अब लव है तो लव का लव्ड हो जाएगा, ठीक है, चूँकि लव का V2 लव्ड होता है। अब यू, तो यू आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर है, तो यहाँ पर हर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सेंटेंसेस को ध्यान में रखिए, और इसका स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, और उसी के अनुसार टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। अब जैसे ये है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई वांटेड टू हेल्प यू। अब आई वांटेड टू हेल्प यू कौन सा टेंस में है, ये है सिंपल पास्ट में, ठीक है। अभी मैंने आपको सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर जो लिखे हैं वो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, तो ये देखो उसी पर ये है, ठीक है, ये उसी पर है। तो सिंपल पास्ट है तो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट किस में बदल, अभी जस्ट बताया था ऊपर, ठीक है। तो इसको चलिए बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ही, और सेट का हो जाएगा टोल्ड, है ना, और ये हो जाएगा मी, और ये हो जाएगा दैट। अब यहाँ पर पर्सन आता है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो ही यहाँ हो जाएगा, ठीक आएगा हैड, और ये हो जाएगा वांटेड, और ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा हेल्प, और ये आएगा इसके अनुसार, ये हो जाएगा मी। बहुत सिंपल है, बस सेंटेंसेस को ध्यान में रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो गोपाल, तो गोपाल यहाँ पर होगा, और ये हो जाएगा टोल्ड, और ये हो जाएगा हर, और ये होगा दैट, और ये आएगा इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट गोपाल है तो ही होगा। अब यहाँ पर ही होगा, तो यहाँ पर देखना होगा कि सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना। यहाँ पर हैड, और ये हो जाएगा बीन, और ये हो जाएगा गोइंग, और ये हो जाएगा टू, और यू आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यहाँ भी आ जाएगा हर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ही सेड टू मी, तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, आई आएगा सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही। अब इसके अंदर का जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, इस टेंस का चेंज ही नहीं होता है। तो नहीं होता है तो वही लिखा गया है कि नहीं। तो ही हो गया, और इसको लगा दीजिए हैड, ये हो जाएगा ऑलरेडी, और ये हो जाएगा फिनिश्ड, ये हो गया फिनिश्ड, और ये हो गया द वर्क। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। अब कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो है आपसे बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिखने वाला हूँ, उसका थोड़ा सा आंसर आप सोच करके देखिए तो कि क्या होगा। लिखा हुआ है ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले ही से इसको कन्वर्ट कर लिए हैं। देखिए फर्स्ट जो कन्वर्ट किए हैं, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, इसमें बताना है कि कौन सा सही है, ये तीनों में से कौन सा सही इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है। तो इसको आप बताइए कि इसमें कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। सेकंड है ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, और ही सेड दैट द अर्थ इज राउंडेड,
अब जो हम नियम पढ़े हैं उस नियम से सेकेंड वाला सही है, ठीक है। जो नियम अभी हम पढ़े हैं चेंज ऑफ टेंस से, तो उस नियम से ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो गया, सिंपल सा। तो ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो गया, तो उस नियम से ये सही है, 100% सही है, लेकिन रॉन्ग है, ये गलत है, ये गलत है। अब क्यों गलत है? अभी तो चेंज ऑफ टेंस पढ़े, तो प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है, तो प्रेजेंट पास्ट में होता है तो ये क्यों सही नहीं है? चलिए रीजन जानते हैं। तो इसमें जब भी आप चेंज कीजिए तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर का जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चल रहा है, ठीक है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ यानी द अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चलता है, तो टेंस में कहीं भी कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी बदलाव नहीं होगा, यानी जो है वही होगा, सिर्फ होगा तो ये इन्वर्टेड कॉमास होंगे, तो इसके बदले में दैट आएगा और द अर्थ इज राउंड, ये 200% सही है, ठीक है। अब ये गलत क्यों है थर्ड? तो गलत इसलिए है क्योंकि इसमें ईडी लगा हुआ है, इसलिए गलत है, न तो ये भी सही होता, ठीक है। तो इसके अंदर से अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चलता है तो टेंस में नहीं बदलाव आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे माई फादर सेड ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, बेस्ट पॉलिसी। अब इसके अंदर का जो सेंटेंस है, सत्य है कि ईमानदारी जो होती है सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तो इससे भी पता चल रहा है, तो पता चल रहा है, इसमें भी कोई टेंस में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ ये इन्वर्टेड कॉमा जो है इसके बदले दैट आएगा, बाकी सब वही लिखाएगा। समझ में आपको आ रहा है? तो क्या बन जाएगा? तो माई फादर, यहाँ सेड है तो सेड रहेगा, चूंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड रहेगा, और दैट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग जनरल रूल के थर्ड जो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है वो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।